पापा मुझे ना नया लैपटॉप चाहिए। नया लैपटॉप? पर बेटा भी कुछ महीने पहले तो खरीदा था मैंने तेरे लिए। पापा वो मॉडल पुराना हो गया और मेरे सारे दोस्तों के पास नया मॉडल है, मुझे भी नया चाहिए। हर 3 महीने में तो मैं लैपटॉप नहीं खरीद सकता तेरे लिए। बेटा जितनी हैसियत होती है ना उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। ऐसे तो ना पता नहीं कब ठीक हो गया आपकी, आप हर बार यही ड्रामा करते हो। मुझे नहीं पता, मुझे नया लैपटॉप चाहिए बस, वरना मुझसे बात मत करना। अरे सुन तो सही, सुन। हेलो अमित जी, कुछ पैसा उधार चाहिए था मुझे। आप इस महीने ऑलरेडी 2 बार उधार ले चुके हो और पिछले महीने का ब्याज भी नहीं दिया है। देखिए अमित जी, आप चिंता मत करिए, मैं अगले महीने आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, ये आखिरी बार मैं आपको पैसे दे रहा हूँ लेकिन। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यार बाकी बातें तो ठीक है, तू ये बता पार्टी कहाँ दे रही है? अरे हाँ, तेरे घर के पास तो फेमस 5-स्टार होटल है ना, वहाँ क्यों नहीं देती है तू पार्टी? हाँ यार प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं पापा से बात करती हूँ। हाँ हेलो बेटा। हेलो पापा, अपने घर के पास में जो वो होटल है ना वहाँ पे प्लीज बुकिंग करवा दीजिए ना, कल मेरा बर्थडे है, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। और बेटा वो तो बहुत महंगा होटल है, वहाँ तो बुकिंग भी बड़ी महंगी होगी। अरे पापा तो क्या हुआ, कल मेरा बर्थडे है, कम से कम इस दिन तो पैसों का रोना मत रो। बेटा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि कोई दूसरा होटल देख ले जहाँ थोड़े पैसे कम लगे। हर समय बस यही ड्रामा, बेटी हूँ मैं आपकी, मुझ पे खर्च नहीं करोगे तो किस पे करोगे? अरे बेटा मुझसे जितना होता है मैं करता हूँ ना। अरे कुछ नहीं करते हो आप, आपको नहीं पता आपकी वजह से कितना कॉम्प्रोमाइज करती हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस कल बुकिंग चाहिए, वरना मैं घर नहीं आ रही, आप अपना देख लो बाय। अरे सुन सुन तो सही। हेलो हेलो, अरे बिटिया ये पेपर्स मेरे ला, मुझे वापस दे दे। पापा आपने मार्केट से मेरे लिए इतना सारा लोन ले रखा है। बेटा क्या करता मैं, मैंने तुझे समझाने की कई बार कोशिश की कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम ये इतनी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। पापा मैंने हमेशा आपको गलत समझा, कितना कुछ बुरा भला बोला बिना ये सोचे समझे कि आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हर माँ बाप का फर्ज है ना अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना। पापा मैं ना आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये फिजूल खर्ची ना आज के बाद बिल्कुल नहीं करूंगी और एक अच्छी सी जॉब देकर ना ये सारा लोन चुका दूंगी। अच्छा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। जोर से बोलो हैप्पी।